ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जहां राजस्थान में 3000 माइंस इंडस्ट्रीज को बंद किया गया है, इसी कड़ी में एनसीआर के शहर अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर में इंडस्ट्रीज माइंस को बंद किया गया है। दरअसल माइंस इंडस्ट्रीज से धूल के कारण धुआं निकलता है, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैज्ञानिकों का कहना है कि रोजाना एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जा रही है। 3000 माइंस इंडस्ट्रीज को बंद किया गया और वो इसलिए क्योंकि प्रदूषण फैल रहा है, और इनकी वजह से जब प्रदूषण फैल रहा है तो जरूरी हो जाता है कि प्रदूषण को नियंत्रण किया जाए। ये कहा भी गया है राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों की तरफ से कि रोजाना एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जा रही है। कमीशन ने स्टेज 4 जो है इम्प्लीमेंट हो गई है और स्टेज 3 जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी, और उसी के अंदर जो है अपन ने सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, स्टोन क्रशर्स को, माइंस को, CND एक्टिविटीज़ को, ब्रिकलिंग्स को, सबको जो है ना बंद कर दिया है। राजस्थान में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान की करीब 3000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और माइंस को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण बोर्ड ने इसके लिए सतर्कता बढ़ने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि वायु प्रदूषण का प्रकोप ज़्यादा स्तर पर नहीं बढ़ सके। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। और सहयोगी आशीष हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि देखिए ये माइंस बंद की गई हैं, लेकिन क्या इन्हें परमानेंट बंद किया गया है और ये एक्शन प्रदूषण की वजह से लिया जा रहा है, कितना प्रभाव इससे इन माइंस इंडस्ट्रीज को बंद करने से भी पड़ेगा? आशीष, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है हम तक, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये फैसला लिया गया है और ये फैसला इसलिए क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है और इस प्रदूषण को कम करना है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, झुंझुनू में AQI स्तर बढ़ा हुआ है, भरतपुर में बढ़ा हुआ है, भिवाड़ी में बढ़ा हुआ है, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर माइंस होते हैं। हालांकि भरतपुर आप देख लीजिए, वहां पर इन माइंस को बंद करने का फैसला लिया गया, भिवाड़ी में लिया गया, ये यहां पर माइंस चालू हैं। तो ऐसे में जब इनको बंद किया जाएगा, इसका असर दूर तक जाएगा और प्रदूषण पर भी नियंत्रण हो सकेगा, और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। रोजाना एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जा रही है कि कितना एक्शन लिया गया है और इस एक्शन से कितना प्रभाव भी पड़ने वाला है। ऐसी तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन ये फैसला इसीलिए क्योंकि प्रदूषण बढ़ा हुआ है और इसको कम करना है। आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी आशीष, जवाब दीजिए। देखिए, राजस्थान में 3000 के करीब जो इंडस्ट्रीज और माइंस, उन्हें बंद करने का फैसला लिया है और ये फैसला अंतिम आदेश तक लिया गया है, क्योंकि जब तक प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आता है तब तक इन इंडस्ट्रीज और माइंस को बंद करने का फैसला लिया है। ये इंडस्ट्रीज और माइंस परमानेंट बंद नहीं की गई है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिस तरीके से अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर की तमाम जो इंडस्ट्रीज और माइंस है उन्हें बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि NCR के क्षेत्र में आता है, दिल्ली से सटे हुए तमाम जो शहर है वहां पर जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो माइंस और जो इंडस्ट्रीज है उससे निकलने वाले धुएं और धूल के कण है। हालांकि दिल्ली से जो प्रदूषण राजस्थान पहुंच रहा है उसका भी असर साफ तौर पर जो रिपोर्ट है उसमें माना जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए ये कड़ा फैसला लिया गया है ताकि जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सके। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से कई शहर है वहां पर जो 4th स्टेज पर अभी जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार देखा जा रहा है, वो जिस तरीके से साफ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इसे कंट्रोल करने के लिए राजस्थान
ये जो प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड है उसने ये बड़ा फैसला लिया है ताकि जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। हालांकि एडवाइजरी भी जारी करी है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कि तमाम जो जिला कलेक्टर्स हैं उन्हें निर्देश दिए हैं कि समय समय पर इसको रोकथाम के लिए तमाम जो उपाय है वो किए जाए, जिस तरीके से जो छिड़काव है पानी का वो किया जाए, जो धूल के कारण सड़कों से जो लगातार सड़कें खराब है उसके कारण भी जो पॉल्यूशन का खतरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए इसके लिए जो साफ तौर पर नियंत्रण बोर्ड ने ये निर्देश दिए हैं तमाम जिला कलेक्टर्स को, और समय समय पर इसके लिए जो तमाम जो इंडस्ट्रीज और माइंस है उनको नोटिस भी थमाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण का जो स्तर है वो राजस्थान में कम हो सके। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो पांच जो शहर है वहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण था, झुंझुनू और बीकानेर, जिस तरीके से भिवाड़ी, ये तमाम जो शहर थे वहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए ये कड़ा फैसला लिया है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम जो दिल्ली एनसीआर और उससे सटे हुए जो शहर हैं वहां पर भी जो स्कूल बंद करने के फैसले लिए, यानी कि लगातार जो प्रदूषण को नियंत्रण के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली का प्रदूषण है वो राजस्थान तक भी पहुंच रहा है, जो दिल्ली से सटे हुए शहर हैं उन तक पहुंच रहा है, तो खतरा यहां पर भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए राजस्थान ने ये कड़ा फैसला लिया है ताकि समय रहते प्रदूषण पर नियंत्रण या काबू पाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस जानकारी के लिए।